भाजपा प्रदेश कार्यालय देहरादून में लोकसभा चुनाव प्रबंधन की बैठक हुई। इस दौरान नामांकन के साथ ही चुनाव प्रचार और बड़े नेताओं की रैलियों को लेकर चर्चा हुई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि प्रत्याशियों के नामांकन के दिन तय कर दिए गए हैं, मंगलवार को इसका ऐलान किया जाएगा। बैठक के दौरान चुनाव प्रचार में तेजी लगाने के साथ ही वर्ग से संपर्क के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही चुनाव प्रचार में राज्य संगठन के साथ ही बूथ और पन्ना स्तर तक समन्वय बनाने के भी निर्देश दिए गए। बता दें कि धामी सरकार के 2 साल भी पूरे होने जा रहे हैं, ऐसे में पार्टी के स्थापना दिवस सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर भी निर्णय लिया जाएगा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, आज हमारी चुनाव प्रबंधन टोली की बैठक थी और बैठक में हमने 3-4 प्रकार के कार्यक्रम तय किए। एक तो हमारे संगठनात्मक कार्यक्रम है, 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस है, 14 अप्रैल को अंबेडकर जी की जयंती है और 23 मार्च को माने हमारी सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है। उन कार्यक्रम की रचना हम बूथ स्तर तक किस रूप में बनाते हैं उसकी हमने चर्चा की। सभी प्रत्याशियों की नामांकन तिथि तय हो चुकी है, वो हम कल प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आप तक पहुँचाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री सभी प्रत्याशियों के नामांकन में उपस्थित रहेंगे, केंद्र नेतृत्व भी कोई आएंगे उसकी जानकारी भी यथासमय हम आप सब तक पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ अब हमारा मुख्य काम प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष पन्ना प्रमुख बनेगा। हम बहुत आभारी हैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का, माताओं बहनों का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, जिन्होंने उत्तराखंड के आम चुनाव में 2022 में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमारे उत्तराखंड के अंदर एक इतिहास बनाया, एक मिथक तोड़ा, एक परिपाटी बदली और सरकार में हमको लेकर आए। और जो भी हमने संकल्प उत्तराखंड की जनता के समक्ष रखे थे उन सभी संकल्पों को हम आगे बढ़े हैं। बहुत सारे संकल्प, बहुत सारे वायदे हमने पूरे किए हैं। डबल इंजन की सरकार तेजी से आगे बढ़ी है और उसी का आज परिणाम है कि अभी पूरे राज्य के अंदर हमने अनेकों अनेक मातृशक्ति के कार्यक्रम किए। मातृशक्ति उत्सव हर जिले में हुए और उनमें हजारों हजार की संख्या में हमारी बहनों ने भाग लिया और राज्य सरकार का कहीं ना कहीं प्रोत्साहन किया, हमारी पार्टी का भी प्रोत्साहन कर रहे हैं।